हाय दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं। देखिए, जूनियर स्टेटिकल ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। देखिए, आपने कई बार लोगों से पूछा होगा कि GSOs के वर्क प्रोफाइल क्या है, कैसा काम होता है, क्या कुछ होता है। लेकिन असली बात, जो मोटिवेशन अगर इंसान को किसी चीज़ में आता है तो वो सिर्फ सैलरी देख के ही आता है। बाकी बाकी चीज़ें हैं वो सब बाद की चीज़ें हैं। आदमी जब किसी जॉब में सैलरी अच्छी होती है वो खुश तभी रहता है। वर्क प्रोफाइल कुछ भी हो, अगर आदमी को पैसे अच्छे मिलते हैं वो उस काम को करता रहता है। और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर सैलरी अच्छी है तो इसका कुछ अलग ही बात होती है। तो देखिए, ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप अपनी जो मेंस की तैयारी है उसको आप ढंग से कर दे रहे हैं। 2022 का मेंस आने वाला है और देखिए, क्योंकि GSO के लिए एक स्पेशल पेपर होता है तो उसमें फ़ायदा ये है कि आपको निकालने के चांस अगर अच्छे हैं, मतलब पेपर इतना टफ होता नहीं है, मतलब एक हिसाब से टफ है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो टफ है, लेकिन अगर आप थोड़ी तैयारी कर लेते हो तो GSO मिलना काफ़ी इजी है। एज़ कम्पेयर टू अगर आप टैक्स असिस्टेंट भी निकालो ना, तो टैक्स असिस्टेंट से ज़्यादा इजी आपको GSO निकालना है। तो 2400 की जगह आपको 4200 निकालना कंपेरेटिवली ईजी है, इन केस अगर आपके आपको क्वालिफिकेशंस हैं और अगर आपको GSO करनी है। तो देखिए, आगे चल के हम देखते हैं इस वीडियो में कि सैलरी कितनी होती है, जिससे आप भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसके साथ साथ जो सैलरी है वो तो ठीक है, आपको TDA कितना बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है सैलरी। सबसे गजब की बात, जो आपका बेसिक पे है वो है आपका 35,400, 35,400। उसके बाद आपको जो DA, अभी 38% क्योंकि DA, तो उस पर हमारा जो DA बनना है वो 13,452। उसके बाद आपका मिल रहा है हमारा HRA, क्योंकि ये मेरा जो दोस्त है ये जेड सिटी में पोस्टेड है। अब क्योंकि अगर आप जेड सिटी में पोस्टेड होते हो तो जेड सिटी की बात ये है कि आपको केवल 9% आपका HRA मिलता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम देखें कि TPT, देखिए TPT आपको ऐसे मिलता है कि अगर आप एक्स सिटी में हैं तब आपको मिलता है 3600 प्लस उसका DA, लेकिन अगर आप वाई और जेड सिटी में हैं तब आपको मिलेगा सिर्फ 1800 प्लस DA। तो यहाँ पर दोस्त को मिल रहा है मेरे 1800 प्लस DA, तो वो बन रहा है 2484 रुपये। अब अगर इन सबको हम टोटल कर लें तो देखिए, जो उसकी ग्रॉस सैलरी बन रही है वो बन रही है 54,522। ये टोटल सैलरीज है, लेकिन इसके बाद देखिए कुछ रिकवरी तो होती है। तो CGGIS में 20 रुपये कट रहे हैं और ये अपना NPS का रिकवरी है, ये सब मिला मिलू के 4906। उसके बाद ये क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ रिकवरीज होती है तो 208 रुपये उन्होंने यहाँ पे काट ली। तो इसकी जो टोटल सैलरी इसकी मेरे दोस्त की आ रही है वो आ रही है इन हैंड सैलरी 49,408। मतलब आप मान के चलो 50,000 सैलरी आपकी जेड सिटी में आ रही है। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, जेड सिटी में आपका रहना खाना एज़ कंपेरिजन टू वाई या एक्स सिटी में काफ़ी कम होता है। अगर ये बंदा यहाँ पे 50,000 के आसपास रुपए कमा रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि अपना 30-35 हज़ार तो ये आराम से बचा ही लेगा, वो 19-20 हज़ार में इसके बहुत अच्छे से एकदम राजाओं वाली ज़िंदगी जी सकता है। दूसरी बात मैं एक बताता हूँ, देखिए क्योंकि GSO एक फील्ड जॉब है तो फील्ड जॉब होने के नाते क्या होता है कि इसमें आपको अपने स्टेशन से जहाँ पर आप पोस्टेड होते हो वहाँ से आपको दूर दराज एरियाज में जाना पड़ता है। तो डेली का आपका क्या होता है कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस और खाने के लिए दोनों मिलते हैं, खाने का और जाने का दोनों के ये जो पैसे आपको मिलते हैं। तो आप ये मान कर चलिए कि आपको अगर गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन है उसके हिसाब को आपको पर डे का 800 रुपये आपको फूड रिइम्बर्समेंट मिलता है और 750 रुपये इन केस अगर आप ओवरनाइट स्टे करते हैं तो आपको 750 रुपये होटल का मिलता है। तो अगर आप मान लीजिए जैसे आप ओवरनाइट स्टे नहीं कर रहे, आप सुबह जाके शाम को आ जा रहे हैं, तो इतने पे ही आपको पर डे 800 रुपये तो मिलते ही है। तो आप ये मान के चलिए अगर आप महीने में 20 दिन भी गए, तो क्योंकि आप मान के चलिए क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ है, और अगर आपने 20 दिन भी अगर आप गए ना तो आप मान के चलिए 2 8 16, तो करीब आपके 15-16 हज़ार आपका एक्स्ट्रा पैसा और बन जाएगा जो कि आपके सैलरी कंपोनेंट में नहीं जुड़ा है, समझ रहे हो आप। तो आप ये 16 हज़ार, मतलब आप ये समझिए कि वो जो 16 हज़ार आपको TA मतलब ट्रैवलिंग के साथ जो अलाउंस मिलेगा ना, फूड अलाउंस, आप उसमें अपना पूरा खर्चा निकाल सकते हो और आपकी 50 हज़ार आपकी पूरी सैलरी बिल्कुल आप बचा सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत अच्छा अमाउंट है अगर आप 50 हज़ार एक सिटी में रह के बचा पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को देखा है मैंने जो कि मतलब 1 लाख भी कमा रहे हैं और उनके पास सेविंग उनकी 25-30 हज़ार भी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप तैयारी करते रहिए
और JSO हो या कोई भी पोस्ट हो, आप उसके लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको ठीक लगा, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।